उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सपा से ही उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव, अखिलेश यादव ने दे दिया इशारा। सपा की ओर से तय हो गए नाम, जो होंगे उम्मीदवार, अखिलेश ने उन्हें पहले ही भेजा संकेत। जानिए 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा के कौन कौन होंगे उम्मीदवार, एक एक नाम हमारे पास। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों को तैयारी के संकेत दे दिए हैं। अखिलेश की ओर से इशारा मिलने के बाद से सपा के उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जम चुके हैं। लोगों के बीच मिशन लेवल पर जाकर संवाद भी करने लगे हैं। सपा की उपलब्धियां और योगी सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन अनौपचारिक घोषणा हो चुकी है। 10 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को मालूम है उनके विधानसभा क्षेत्र से इस बार किसे सपा की ओर से उम्मीदवार बनाया जाएगा, जिन्हें अखिलेश ने पूरी तरीके से बता दिया कि आपको चुनाव लड़ना है। वो लोगों से मिल भी रहे हैं, विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को मालूम है इस उपचुनाव में उनकी विधानसभा सीटों से सपा के उम्मीदवार तो यही होंगे। बहरहाल सपा आधिकारिक तौर पर अक्टूबर में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार करहल सीट से पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव को तैयारी में जुटने के लिए कहा गया है। मिल्कीपुर सीट से फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को तैयारी में जुटने के लिए कहा गया है। कटहरी सीट से सांसद लालजी वर्मा के सांसद चुने जाने से खाली हुई, यहां से उनकी बेटी छाया वर्मा के लिए संकेत दिए गए हैं। कुंद्रकी से पूर्व विधायक रिजवान तैयारी में जुटे हैं। वहीं खैर से ओमपाल सिंह ने संपर्क शुरू कर दिया है। मीरापुर से पूर्व विधायक कादिर राणा और सीसामऊ से इरफान सोलंकी के परिवार के ही किसी सदस्य को लड़ाए जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा गाजियाबाद मजवा फूलपुर सीट के लिए भी मंथन चल रहा है। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें गाजियाबाद सदर मिल्कीपुर कटहरी फूलपुर मझवा मीरापुर खैर और कुंद्रकी विधानसभा सीट शामिल हैं। इनमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जबकि 3 सीटें बीजेपी और एक एक सीट निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। इनमें से 9 ऐसी हैं जहां के विधायक सांसद बने हैं, जबकि सीसामऊ पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा के बाद सदस्यता जाने के चलते चुनाव होगा। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 सीटों पर सपा का कब्जा था, बची हुई 5 में से बीजेपी के पास, 3 निषाद पार्टी और आरएलडी के पास 1 सीट थी।